गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सदगुरुदेव भगवान की और मेरे भाई बहनों सदगुरुदेव भगवान की वंदना करते हुए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा श्री गुरुपद पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, यानी कि सदगुरुदेव भगवान के चरणों का भी नहीं, केवल कितना सदगुरुदेव भगवान के चरणों के नाखून के अग्र भाग का भी ध्यान हमने कर लिया तो सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, यानी उस नाखून के अग्र भाग का ध्यान करते ही हमारे जीवन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए तीसरी वंदना सदगुरु देव की सदगुरु देव भगवान के चरणों में हम भी प्रणाम करते हुए आगे मेरे भाई बहनों वंदना के क्रम को बढ़ाते हैं। अब तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया कि मैंने विप्र की वंदना कर ली, यानी ब्राह्मणों की कर ली, सत्संग की वंदना कर ली, सदगुरु देव भगवान की वंदना कर ली और भी बहुत सारे लोगों की वंदना की प्रभु ने मेरे भाई बहनों। शुरुआत में हमने जब स्तुति की थी तो उस समय भी शंकर भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, सरस्वती माता की, साथ ही साथ गणाधिनायक गणपति भगवान की, हनुमान जी की सबकी वंदना कर दी। तो अब विचार आया कि सबकी वंदना तो हो गई, अब जिसकी कथा लिख रहा हूँ उन प्रभु राम जी की भी मैं वंदना कर ही लेता हूँ। मेरे भाई बहनों राम जी की वंदना करने के लिए जैसे ही कलम उठाया कि उसी समय तुलसीदास जी महाराज के मन में एक बात आई कि राम तो पुत्र हैं और दशरथ जी पिता हैं, तो पिता से पूर्व अगर पुत्र की वंदना कर दूं तो ये तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। और प्रभु श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी कथा करने में मर्यादा कैसे तोड़ू। तो इसीलिए मेरे भाई ने विचार किया कि दशरथ जी की वंदना कर लूं। फिर मन में आया कि दशरथ जी की वंदना करूंगा तब भी मर्यादा खंडित होगी कैसे, क्योंकि दशरथ जी तो जीव हैं और राम ब्रह्म हैं, ब्रह्म से पूर्व जीव की वंदना कर ले तो भी मर्यादा खंडित हो जाए। अब यहाँ आकर के तुलसीदास जी महाराज जी की कलम रुक गई, अटक गए तुलसीदास जी महाराज कि अब कथा आगे कैसे बढ़ाएं, कि पहले पिता की वंदना करूं कि पहले पुत्र की वंदना करूं, पहले बाप की वंदना करूं कि पहले बेटे की वंदना करूं, पहले जीव की वंदना करूं कि पहले ब्रह्म की वंदना करूं। मर्यादा दोनों ही चीजों में अगर राम जी की वंदना करे तो भी मर्यादा खंडित हो और अगर दशरथ जी की वंदना करे तो भी मर्यादा खंडित हो। अब तुलसी बाबा तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत चिंतन किया पर इस समस्या का समाधान नहीं मिला। तो अंत में तुलसीदास जी महाराज ने अपने सदगुरु देव भगवान का ध्यान किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना इस जगत में सिर्फ सदगुरु ही वो तत्व है जो समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो सदगुरुदेव भगवान का ध्यान किया, गुरुदेव ने कहा कि बेटा ना तो राम की वंदना पहले कर सकते हो ना तो दशरथ जी की वंदना पहले करोगे, इन दोनों से एक और बड़ा तत्व है पहले वंदना उसकी करनी पड़ेगी। कहा राम जी से और दशरथ जी से भी बड़ा कौन है? कहा राम जी ब्रह्म हैं और दशरथ जी पिता हैं, इन दोनों ही पद से ब्रह्म से और पिता से दोनों से बड़ी होती है माँ, पहले माँ की वंदना करो उसके बाद ही इन दोनों की वंदना करना। तो तुलसीदास जी महाराज ने मेरे भाई बहनों माँ की वंदना के लिए कलम उठाया, लेकिन फिर विचार आया कौन सी माँ की करूँ, क्योंकि माताएं तो बहुत तरह की होती हैं। तो फिर सबसे प्रधान
तीन माताओं की वंदना, वैसे तो नौ माताएं होती हैं। मैंने आपको दो बार गौ कथा सुनाई है, उसमें दोनों ही बार बताया था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नौ माताएं होती है। आपको याद है कि भूल गए? याद है, गैया का दूध पिया होगा तो याद होगा और भैंसों का ही दूध पिया होगा तो भूल गए। तो मेरे भाई बहनों, तीन प्रधान माताओं की वंदना तुलसीदास जी महाराज ने की, धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता। सबसे पहले मेरे भाई बहनों वंदना की गौ माता की, क्योंकि इस जगत को माँ शब्द ने देने वाली ही गाय माता है। अगर गाय माता ना होती तो ये माँ शब्द इस धरती को मिलता ही नहीं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने एक ब्राह्मण बनाया, एक गौ माता बनाई। अब बना तो दिए ब्राह्मण और गौ माता, लेकिन मेरे भाई बहनों दोनों बोलना नहीं जानते, दोनों चुप एकदम मौन। अब मौन है तो सृष्टि आगे कैसे बढ़े? तब कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। अंत में गौ माता ने विचार किया कि जब तक मैं वाणी नहीं दूंगी तब तक ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तब मेरे भाई बहनों गौ माता ने हम्बाराव किया, प्रणव घोष किया, माँ, और सदा सदा के लिए चुप हो गए। इसीलिए संसार को माँ शब्द देने वाली गाय माता है। इसीलिए माँ को माँ के क्रम में सबसे पहली माँ गौ माता बताई है। अगर आपको ये शास्त्रों की बात समझ में न आवे तो मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण से समझा दूं। देखो, अगर किसी शेरनी के बच्चा जन्मता है तो बच्चा जन्मने के बाद दहाड़ेगा। अगर किसी हथनी के बच्चा जन्म ले तो जन्मने के बाद चिंघाड़ेगा। अगर किसी कुतिया का बच्चा हो जाए तो जन्मने के बाद भोंकेगा। गधी का बच्चा हो जाए तो जन्मने के बाद रेंकेगा। अगर बकरी का बच्चा जन्म हो तो जन्मने के बाद मीमियाएगा, और अगर घोड़ी के बच्चा हो तो जन्मने के बाद हिनहिनाएगा। अगर भैंस के बच्चा हो जाए तो होते ही सोएगा, और माताओं के बच्चा हो जाए तो जन्मने के बाद रोएगा, नहीं रोएगा तो डॉक्टर थप्पड़ मार करके रुलाएंगे। लेकिन जब गाय माता जी के बछड़ा बछिया होते हैं, न वो दहाड़ता है, न वो चिंगारता है, न वो भोकता है, न वो रेगता है, न वो मेरे भाई मेरा मीमी आता है, न हिन हिनाता है, न वो बछड़ा सोता है, न वो बछड़ा रोता है, वो तो होते ही सबसे पहले क्या कहता है, माँ। यानी केवल मेरी नहीं सारे जगत की माँ है। इसीलिए गाय माता को सबसे प्रथम माँ बताया है मेरे भाई बहनों। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भी तो लिखा है कि गावः विश्वस्य मातरः, इस सारे जगत की माँ अगर कोई है तो वो गाय माता है। और महाभारत जी में भी लिखा है कि मातरः सर्वभूतानाम, कि गाय माता समस्त महाभूतों की माँ है। इसीलिए गाय माता सबसे प्रथम माँ है। तो सबसे प्रथम माँ गाय माता की वंदना की, फिर दूसरी वंदना मेरे भाई बहनों धरती माता की, जिस पर हम जन्मे हैं। शास्त्र कहते हैं कि उठते ही सबसे पहले गौ माता के दर्शन करो और जमीन पर पैर रखो, उससे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। इस पर हम अन्न उगाते हैं, इसकी छाती को फाड़ करके मेरे भाई बहनों इसमें छेद कर करके कुएं खोद कर पानी पीते हैं। इन धरती माता पर कितनी गंदगी करते हैं, इस माँ का कितना कर्ज अपने माथे पर चढ़ा हुआ है। इसलिए धरती माता को रोज प्रणाम करना चाहिए। देखो माताओं, आपका बच्चा अगर छोटा है और अगर आपकी गोद में गंदगी कर ले तो आप कुछ भी नहीं कहोगे, कोई बात नहीं, छोटा है, ना समझे, अबोध है, इसलिए गोद में गंदगी कर दी। पर अगर 5 साल को कोई टाबर आपकी गोद में आकर के गंदगी करे तो बोलो आप करवा दो ली गई? फिर तो वो माताएं उस बच्चे को उठा करके फेंक देंगी कि तो बड़ो हो गयो, अभी तक समझ नहीं आई गई थाने। तो विचार करो, हम अपने बच्चों की गंदगी 2-4 सालों से ज्यादा सहन नहीं कर सकते, लेकिन धरती माता पर गंदगी करते करते उम्र बीत गई अपनी। लेकिन धरती माता ने कभी नहीं कहा कि अब बहुत हो गया मेरे पर गंदगी करते करते, अब जाओ पाकिस्तान में गंदगी करके आओ, कभी कहा क्या? नहीं कहा। तो ये धरती माता, ये जो भारत माता है, बड़ी पूजनीय है। और वैसे भी इस ब्रह्मांड में वह व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है जिसको हिंदुस्तान में जन्म लेने का अवसर मिलता है। ये भारत मेरे भाई बहनों ऐसा देश है जिसके पीछे भी माँ लगता है। आप लोगों ने आज तक कभी पाकिस्तान माता, अमेरिका माता नहीं सुना होगा, माँ तो हिंदुस्तान के पीछे ही तो लगता है मेरे भाई बहनों।
भगवान जब किसी व्यक्ति पर अनंत कृपा बरसाते हैं ना, तब उस जीव को हिंदुस्तान में भेजते हैं, क्योंकि ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मेरे भाई बहनों लोग भगवान को मानते हैं। और भगवान को तो और भी बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन भगवान को अगर पाने की क्षमता कोई रखता है तो वह हिंदुस्तान की भूमि पर जन्मे लोग ही रखते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि ठाकुर जी ने हम पर अपार कृपा की और हमें हिंदुस्तान में जन्म दिया। तो मेरे भाई बहनों, दूसरी माँ हमारी यह भारत माता है। देखो, जब कोई माँ होती है ना, वो एक ही बात चाहती है कि मेरे बच्चे को सबसे अच्छी चीज मिले, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। सारी माताओं के भाव रहते हैं, बोलो रहते हैं कि नहीं रहते, रहते हैं ना। तो उसी तरह से देखो, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने घर पर कभी माताओं को रोटी बनाते हुए देखा होगा, आपकी पत्नी, बेटी, बहू, बहन घर पे रोटी बनाती होंगी, और कभी आपने देखा होगा रोटी बनाते बनाते कभी कभी क्या होता है, वो जो तवा होता है, केलड़ी होती है, वो ज्यादा गर्म हो जाती है, और ज्यादा गर्म केलड़ी पर तवे पर अगर रोटी डाल दे तो क्या हो जाएगा, रोटी जल जाएगी, और रोटी जल जाएगी तो कौन से रंग की हो जाएगी, बोलो, काली हो जाएगी। और अगर रोटी कच्ची रह गई, तवा बढ़िया से सिका नहीं था, तपा नहीं था, और पहले ही रोटी डाल दी, वो रोटी कच्ची रह गई, अब कच्ची रोटी कौन से रंग की रहती है, सफेद रंग की, धोली धोली रहती है। और अगर कोई रोटी बढ़िया सिक जावे, तवा एकदम सही टेम्परेचर में था, तापमान में था, और बढ़िया रोटी डाली, फूल गई, सिक गई, तो वो जो रोटी है वो लाल रंग, गेहुए रंग की हो जाती है। अब विषय को समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, परमात्मा रूपी माँ जब इंसान रूपी रोटी बनाने बैठे, ध्यान से सुनना, परमात्मा रूपी माँ जब इंसान रूपी रोटी बनाने बैठे तो भगवान से कुछ कुछ रोटियां जल गई, उन जली जली रोटियों को भगवान ने भेज दिया अफ्रीका वेस्ट इंडीज में, वहां के लोग पूरे काले ही काले, एकदम काले काले, ये सब जली जली रोटियां हैं जो भगवान ने वहां भेजी। फिर भगवान से कुछ कुछ रोटियां कच्ची रह गई, कच्ची रह गई, तो उनको भेज दिया अमेरिका इंग्लैंड में, सब धोरे ही धोरे लोग, एकदम सफेद सफेद गोरे गोरे लोग, वो सिकी नहीं थी, और जो बढ़िया बढ़िया एकदम सिक गई थी रोटियां, वो कहां भेजे, वो सब मेरे सामने बैठे हैं। इसीलिए देखना, इंसानों के चमड़े का रंग, हिंदुस्तानियों के चमड़े का रंग और सिकी हुई रोटी का रंग लगभग एक जैसा ही होता है। तो ये सब सिकी सिकी रोटियां हैं जो परमात्मा ने कृपा करके भेजी है हिंदुस्तान में। तो मेरे भाई बहनों, हमें गर्व होना चाहिए अपने हिंदुस्तानी होने पर। तो दूसरी वंदना मेरे भाई बहनों भारत माता की, और तीसरी वंदना तुलसीदास जी महाराज ने जन्म देने वाली माँ की, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी अगर कोई है तो वो है माँ, जिसकी कभी किसी से तुलना नहीं हो सकती मेरे भाई बहनों, वो है माँ। इस दुनिया का सबसे छोटा अगर शब्द कोई है तो वो है माँ, सिर्फ एक ही वर्ण है माँ, लेकिन महानता इतनी है, विराटता इतनी है कि सारा ब्रह्मांड आकर के समा जाए तब भी मेरे भाई बहनों छोटा ना पड़े, ऐसे दिव्य तत्वों से युक्त होती है माँ। इस संसार में जिसके प्रेम की कोई होड़ ही नहीं है, माँ के लिए जितना कहे ना उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। जो आधी आधी रात को जग करके अपने बच्चों को बड़ा करती है वही माँ। आपने देखा होगा कि जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ दूध पिलाती है, अब वो बच्चा दूध पीता है एक तरफ और दूसरी तरफ लात मारता है पीछे से माँ को, अब लात भी खावे और दूध भी पिलावे इतनी औकात माँ में ही हो सकती है। आपका बेटा किसी दिन आपको लात मार दे, बोलो उस बेटे को मुड़ के कभी देखोगे आप लोग, कभी नहीं देखोगे, पर माँ तो रोज लात खाती है फिर भी दूध पिलाती है। तो मेरे भाई बहनों इसीलिए वो महान है माँ। तो तीसरी जो माँ बताई है वो जन्म देने वाली माँ है। इस संसार में भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई ताकि भगवान के रूप में माँ हर घर में बस सके।
जो व्यक्ति चाहे कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, अनुष्ठान कर ले, तीर्थ यात्राएं कर ले, पर माँ की सेवा अगर नहीं की तो मेरे भाई बहनों ये सबका कोई मतलब नहीं है। चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लो, माँ जिस व्यक्ति की दुखी है उस व्यक्ति को किसी का भी पुण्य नहीं मिलता है। और अगर धन कम है तो आप भले पूजा मत करो, पाठ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, आज 11 से एकादशी है, अगर आप भूखे नहीं रह सकते कोई बात नहीं, दिन में 3 बार भी खा लो, लेकिन अगर माँ के भाव से सेवा करते हो तो उनके आशीर्वाद से मेरे भाई बहनों आपको 11 का भी पुण्य मिल जाएगा, आपको कथा सुनने का भी पुण्य मिल जाएगा, आपको तीर्थ जाने का भी पुण्य मिल जाएगा। पर दुर्भाग्य है देश का, किसी माँ के 4 बेटे होते हैं ना बचपन में, जब वो माँ संघर्ष करके बड़ा करती है तब भी उस माँ को कोई तकलीफ नहीं होती 4 बेटों को बड़ा करने में, लेकिन जब वो 4 बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर 1 माँ को संभालने में तकलीफ होती है। फिर तो 1 माँ है और 4 बच्चे हैं तो भी 2-2, 3-3 महीने की पारियां बांध देते हैं, 2 महीने इसके घर, 2 महीने इसके घर, 2 महीने इसके घर, 2 महीने इसके घर, और 2 महीने में 2 दिन अगर ज्यादा हो जावे तो एक भाई दूसरे भाई को फोन लगा के कहता है कि 2 दिन ऊपर हो गया, हाल तक तुम घबराई को नहीं गई, ली जाया ने डोकरी ना टेऊ मेरे भाई बहन। दुर्भाग्य आप लोगों का है, जिस व्यक्ति ने माँ की सेवा नहीं की ना, मेरे नजरों में उससे बड़ा कंगाल इस संसार में कोई नहीं है। सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी माँ की सेवा नहीं की। माँ तो सबके ही होती है, माँ के बिना कोई सीधा आसमान से नहीं टपकता है, पर माँ की सेवा अगर नहीं मिली है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरा निवेदन है अपनी माँ की थोड़ी थोड़ी सेवा मेरे भाई बहन जरूर कीजिए, जितनी बन पड़े उतनी कीजिए। और क्या चाहिए किसी माँ को, ना तो उस बुढ़ी माँ को रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कोई मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए। उस बुढ़ी माँ को तो बस 2 शब्द प्रेम के चाहिए। कोई बेटा अगर जाकर के पूछ ले कि माँ तो ठीक है चौकी है, थाने कोई दिक्कत तो को नहीं, थारे कोई चारियो तो मने बता, मुजायल जा रही हूँ, आ तो लगो ले तो आओ, भले कई नहीं मंगाए हो वो माता जी कुछ भी नहीं मंगाएंगे, लेकिन आपने पूछ भी लिया तो वो बड़ी खुश हो जाएगी कि मारे बेटे मने पूछो तो कर, इतो ही तो चारियो माने और कई चारियो। इसीलिए 2 शब्द प्रेम के बोलिए। जब कहीं जाते हैं घर के बाहर तो माँ को बोल के जाएं कि माँ मैं जायल जा रहा हूँ, नागौर जा रहा हूँ, आते समय 1 बार तो आकर के कह दो कि माँ मैं आ गया हूँ, बस वो माँ खुश हो जाएगी। मेरे भाई बहनों इससे ज्यादा उस बुढ़ी माई को कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए निवेदन है इतना तो दे दो, ये भी नहीं दे पाते आजकल के लोग, ये 2 शब्द जो प्रेम के होते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।